पिछले कुछ महीनों से हमारे देश में पीकू ज्यादा ही पॉपुलर हुआ है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक, पद्मावती से लेकर पैडमैन तक, दिनचक पूजा से लेकर प्रिया प्रकाश तक। एक और बात कहूं, पिंक पसंद करने वाले सोकल मर्दों में भी इजाफा हुआ है। अभी अभी एक और पी ने एंट्री मारी है, PNB। इसकी तो बहुत सारी बातें हैं, मैं सबसे पहले एक बात राहुल जी से कहना चाहूंगा कि वो मोदी जी से विकास को लाने की बातें ना करें। विकास आज नहीं तो कल आ जाएगा। अभी हमें इतनी जरूरत विकास की है नहीं जितनी की प्रिया प्रकाश की। आप पॉलिटिशियंस को ना ये बात समझनी पड़ेगी, मतलब मामला बड़ा नाजुक है। हर चौक चौराहे पे 200-400 दिल मोबाइल में घुसे रहते हैं। पिछले 4-5 हफ्तों से लोग सोए कम खोए ज्यादा हैं। अपने ऊपर वाले भगवान जी, उनका भी सॉफ्टवेयर क्रैश हो चुका है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े विस्फोट का आइडिया उन्हें भी नहीं था और उनका मैनेजमेंट फेल हो चुका है। लोगों की इच्छाएं, मतलब पूछिए मत। शादीशुदा लोगों को प्रिया जैसी पड़ोसन चाहिए जो टाइम टाइम पे आंख मारे। सीनियर सिटीजन को प्रिया जैसी नर्स चाहिए। आधी बीमारी खत्म, 7 दिन सुबह शाम आंख मारेगी, 8वें दिन बुढ़े अखाड़े में। लौंडों की तो पूछो मत, मतलब जो हाल तेरा उधर हो रहा है वो हाल मेरा इधर हो रहा है। पागल तेरा भी शहर हो रहा है और पागल मेरा भी शहर हो रहा है। इस बार भगवान भी अपना ऑफिस बंद कर अपने आउटसोर्सिंग कंपनी पे सारे लोड डाल दिए। बेचारा गूगल गुलगुला गया है, ट्विटर की चिड़िया पगला गई है, और फेसबुक के बुक में कोई ऐसा पेज ही नहीं बचा जहां पे प्रिया प्रकाश की एंट्री ना हो। भाई इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, हमारे देश की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। और हफ्ते भर पहले तक गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च 37 साल की लैला की जा रही है। वही जो पहले बेबी डॉल भी थी, जिसे आपने सुना का म्यूट करके देखा जाता हो। रातों रात इसकी विरासत खत्म। एक 24 सेकंड की वीडियो ने 24 घंटे के अंदर 24 करोड़ से ज्यादा लौंडों की ले ली। मेरे बाबूजी कहते हैं कि उनके दौर में परमाणु से ज्यादा ताकत कुमार सानू के दाने में था, और मुझे लगता है कि आज का परमाणु प्रिया के सामने गिर गया। प्रिया पूरे देश के लौंडों को पागल कर दिया। कल मैंने देखा प्रिया टी स्टॉल, फिर देखा प्रिया समूह, फिर प्रिया जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, हर जगह यही वाली प्रिया एक आंख मारे बैठी हुई। पड़ोसी देश वाले, मैं बात सिर्फ पाकिस्तान की कर रहा हूं, वहां पे खूबसूरत लड़कियां होती हैं, चाइना के पास तो आंख ही नहीं है, मारेगा क्या। सो पड़ोसी देश वाले भी अब यही सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी पार्ले जी वाले देश से जंग तो हम जीत नहीं सकते, 10-20 प्रिया को भेजकर दिल जीत लेते हैं। तो मेरी तो खासकर नेताओं से यह अपील है कि देश के युवाओं की नस को समझिए। नौकरी 2 साल बाद भी मिली तो दिक्कत नहीं है, नौटंकी करने वाली चाहिए, है ना, नौटंकी करने वाली चाहिए। अब बात करते हैं मुद्दे की। घर बैठे लोगों को ताली मारने के लिए तो मैं कह नहीं सकता, हाथ से मोबाइल छूट जाएगा। सो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।